देख लेना ये देखो नहीं काटता अबे फिक्र होता ये देख कटेगा नहीं काटता अब हुई हुई इसको अंदर अब ये बेवफा हो गया यार बेवफा हो गया तो मैं कह रहा हूँ दीवार में मारो मत मैं दीवार में मार दूंगा इसको अगर आप काटा मैं बता रहा हूँ मामू ये फोटो हो जाएगा ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो कैसे हैं आप सब यार मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ था मैंने उस केज में देखा है वो देखें वो हमारी एक डव बैठी है कशान में अभी अभी तुझे देखे मैंने देखे ना फुल घबरा गया हूँ मैंने देखा कि एक डव बैठी दूसरी बैठी नहीं यहाँ से देख खड़ा हो तुझे दूसरी डव यहाँ से नजर आ रही है देख देख सिर्फ एक पता है कि एक डव बैठी है वो देखो वो पानी पी रही है फिर मैंने नीचे बैठ के देखा ये वो दूसरी बैठी हुई है ऊपर एक वो देखे वो नीचे पानी पी रही है और एक वो ऊपर बैठी मैं समझे शायद ना एक डव हमारे ना उड़ गई है कशान कसम से मैंने यही समझा मैंने कहा एक डव बैठी है एक डव ना खाना खाने जैसे मैंने खाना डाला होगा ना शायद उड़ गई हो खैर मैं बड़ा डर गया था तो यार यार इसको तो ऊपर कर दो यार कशान वो देख ये देख अब धूप भी चली गई है लेकिन अब इसको तो ऊपर कर दो बेचारे सांस भी नहीं ले पा रहे होंगे शाबा जल्दी से ऊपर कर दो इनका कपड़ा ये देखो जी ये हमारे प्यारे से बज्जीज बैठे हुए हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स ये चेक करें जी माशाल्लाह अब हमने पर्दा उठा दिया क्योंकि धूप चली गई है सारी तो इसलिए अब हम इनका भी कपड़ा भी उठा दिया माशाल्लाह से और यार आज हमने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है अपने डव्स के लिए यार क्योंकि हम उनको लेके तो आ गए हैं लेकिन घर तो है उनका देख सकते हैं आप नीचे वाले पिंजरे में हमने इनको रखा हुआ है ठीक है लेकिन इनको ब्रीडिंग करने के लिए यार कोई नेस्ट वगैरह नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के हमने ब्रीडिंग ही इस वजह से करवाई थी ये देखें ये जो हमने ये रखा हुआ है ये देखें एक ये लोटकी पड़ी हुई है और एक इस तरफ ये लोटकी पड़ी और दो सामने वो देखें घर भी पड़े हुए हैं ठीक है ना तो इनकी मर्जी होती है कभी घर में घुस जाते हैं कभी इनकी मर्जी होती है तो उस लोटकी में तो कभी इस लोटकी में तो सेम अगर आप नीचे देखें इस वाले केज में तो इस वाले केज में यार इनका घर भी कोई भी नहीं है ठीक है घर है लेकिन नेस्ट वगैरह कोई भी नहीं है देख सकते हैं आप तो फाइनली फिर मैंने सोच लिया है कि एक जुगाड़ लगाते हैं वो जुगाड़ ही लगाना पड़ रहा हमने क्योंकि यार ये वाला हमारा जो केज इसके जो ये दरवाजे हैं ये जो इसकी खिड़कियां ये छोटी छोटी है बड़ी ठीक है हम इसके अंदर उस तरह का नेस्ट या उस तरह का जो लोटकी है वो इसके अंदर नहीं रख सकते उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यार इनका जो दरवाजा है केज का वो बहुत ज्यादा छोटा है कशान दे वो दिखा दे तो इसलिए मैंने जुगाड़ ये लगाया है ये देखिए जूतियों वाला डब्बा है बड़ा हमारे पास और इसको अभी रखते हैं उस वाले केज के अंदर नीचे और इसके अंदर कशान हम फिर पलाली रख देते हैं ठीक है ना तो पलाली भी हमारे पास है पड़ी तो फाइनली फिर हमने यही सोचा है ठीक है सुफियान इनका हम ना नेस्ट बना रहे हैं ठीक है जिसके अंदर ये अंडे देंगी और फिर प्यारे प्यारे से बच्चे देंगी फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा हमें ठीक है हाँ तो अब भी ये देख सकते हैं आप कि उस जगह ये प्लाली पड़ी है सारी की सारी ये देखें ये सारी प्लाली पड़ी है जो हमने अपने अपने डक्स के लिए लाए थे ठीक है तो अभी कशान सुफियान ये पिंजरा उठा के थोड़ा आगे चले जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ना क्योंकि अब धूप तो है नहीं है तो अब यहाँ इसको रख देते हैं आराम से और फिर यहाँ पे आराम से बैठ के ना अपना प्यारा सा इनके लिए नेस्ट बनाते हैं ताकि हमारे जो डव्स हैं वो आराम से अपनी एक फैमिली क्रिएट कर सकें और हैप्पी रह सकें दोनों ठीक है तो बस फिर स्टार्ट करते हैं कशान रेडी है कशान यस सुफियान भाई एक काम करो थोड़ी सी पलाली ले आओ वहाँ से थोड़ी सी ठीक है तो जब तक यार फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ वो सुफियान एक कशान एक मिनट कभी नहीं खोलना भी नहीं खोलना उड़ जाएंगी यार अभी नहीं रिस्क नहीं लेना सुफियान एक हाथ भर के ले आ हाथ भर के ले आ हाथ भर के ले आ एक शाबाश ठीक है काफ़ी इतनी यहाँ रख दे आराम से नीचे रख दे नीचे यहाँ पे बस छोड़ दे यहाँ पे अभी फिलहाल यार हम इस गत्ते को इस केज के अंदर रखते हैं और फिर सेटिंग करते हैं और फिर इसको फिट कर देंगे तो यार फाइनली अभी हम इसको अंदर डालते हैं पानी बाहर निकाल लो ये पानी बाहर निकाली वो एक मिनट उसके अंदर है दादा ना वो देखो आराम से अंदर घुस गया ये देखो ये पेटी जो है ना ये आराम से अंदर इसके घुस जाती है ये जूती वाला जो छोटा पाया बड़ा ये देखो अब इसको यहाँ पे अंदर फिट करते हैं ये यहाँ पे रख देते हैं इसको ना हम आराम से प्यार से यहाँ पे रख देते हैं इनको एक नुक्कड़ में रख देते हैं ताकि ये वाला जो डब्बा है यार ये उलट ना जाए कहीं पे तो अब आती है बारी हमारी पलाली रखने की आराम से पलाली रखते हैं अब इसके अंदर ये देखो जी हमने ये पलाली अभी रख दिया ये फिट हो गई हमारी पलाली इसके अंदर आ गई चलो जी मामा वो वाली लकड़ी भी लगा दो कौन सी वो वाली हाँ पहले पानी भी तो रखना है ना अभी हमने पानी नहीं रखा हुआ ये देखो पानी भी रखना है कशान सुफियान ने यार याद दिलवा दिया तो इसलिए पानी भी रख देता हूँ माशाल्लाह से अंदर ये वाली लकड़ी जैसे कि सुफियान ने याद दिलवाया ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना हमारे जो डव्स हैं वो उड़ सकती हैं तो इसके इसलिए बंद कर देते हैं आ जाओ भाई आ जाओ हमारे मीठे को लेके आ जाओ कशान भाई जल्दी आ
ओए ओए यार, काफी दिनों के बाद मैं अपने प्यार से पिट्ठू को यार बाहर लेके आया है, क्योंकि यार आज मौसम अच्छा है और मैंने फाइनली उठवा ही लिया बाहर। ये देखो यार मिट्ठू हमारा। यार इसके ना एक और बात बतानी है मैंने आपको यार, ये हमारा जो मिट्ठू है यार, इसने ना 3-4 मरतबा ना उड़ने की ट्राई की है, ठीक है। वो ना इस केज से ना बाहर निकल आता है, ठीक है। ये वाला इसका दरवाजा था, ये देखो ये वाला हमने बंद कर दिया। इसके दो दरवाजे होते हैं, एक तो ये दरवाजा होता है इसका, ये बड़े वाला ये देखें, और दूसरा दरवाजा होता है इसका ये वाला ये देखें, जहाँ से हम हाथ सिर्फ अंदर जाते हैं बस। और इसको मेरे अबू जी ने यहाँ पे ये देखो ये तार लगा दिए, देख रहे हैं आप, क्योंकि हमारा जो मिट्टू है वो अंदर बैठा हुआ है इस वाले गेट को, इस वाले दरवाजे को ऊपर उठा के यहाँ से 3-4 मतलब बाहर निकल के इस केज के ऊपर जाके बैठ जाता है, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा मिट्टू उड़ नहीं सकता, ठीक है, इसलिए ये बेचारा बच गया, वरना अगर ये थोड़ा बहुत उड़ लेता तो यार ये कब का उड़ गया होता, ठीक है। तो फाइनली फिर हमने इसको ये वाली जो है तार लगाना मुनासिब समझी है, लेकिन फिर भी ये अभी बैठा हुआ भी जो है ना ये ट्राई करता रहता है इस तार को भी तोड़ने की, ना कि इस तार को भी तोड़ दूँ फिर मैं दोबारा से बाहर निकल आऊँ, ठीक है। लेकिन हमने इस मरतबा काम बहुत ज़्यादा मजबूत किया है कि अब ये मिट्ठू बाहर निकल ही नहीं सकता। तो यार इसको ना रोज़ ट्रेनिंग देनी पड़ती है हैंड टेम होने की, वरना ये हैंड टेम नहीं रहता, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से मैंने इसको ट्रेनिंग नहीं दी, ठीक है। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ इसको हाथ में उठाने की, देखते हैं ये हाथ में आता है या नहीं आता। ये देखो अभी अंदर बैठा है, और ये देखो ये देखो ये देखो ये काटने के ऊपर, ये देखो ये तुला हुआ है। खैर जो जैसा भी हो, आज हमने इसको हाथ में उठाना ही है। तो यार मैं मिट्टू को उठाता हूँ, आप देखना यार ना करें ये काटे ना मुझे। ये देखो ये काटने क्यों, ये देखो ये काट रहा है, काट रहा है मुझे, ना करें काटे ना, बस उठा लो आराम से। ये देखो ऊपर चढ़ रहा है, देखो यहाँ आ जा, अभी तंग करेगा लेकिन आ जाएगा बार आराम से। तू हंस ले तू, तेरी बारी भी आई है। अच्छा दूर हंस रहे हो, अपना काटी अपना काटी प्यार से, अब नहीं काटना तुम्हें, अल्लाह का वास्ता नहीं काटी ना काटी, अल्लाह का वास्ता काट दे काट दे काट दे। यार इसको तो चैन ही नहीं आ रहा, भाग जा रहा बार बार, एक जगह खड़ खड़ा नहीं हो पा रहा यार ये। इसके पंख पकड़ो ना। अब आया बोला नहीं कुछ कहता, आ जा इसका पंख पकड़ लो ना, पंख पकड़ के फिर पकड़ा तो फिर वो इतना काटेगा कि तेरी सोच भी नहीं है, उनको फिर लगता ही हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए प्यार से इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आ जाए मेरे हाथ में आराम से। आ गया, शुक्र है आ गया। वो देखो मस्तियां औरतें, मस्तियां शुरू। एक तो इतना इसने मुझे काटा, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये खड्डे पड़ गए, ये देख रहे हो, ये देखो ये खड्डे पड़ गए, ये देखो ये यहाँ काटा इसने मुझे बड़ी जोर जोर से, ये देखो यहाँ भी इतना जोर से काटा है। अब देखो कितना खुशी से जो है ना इंजॉय कर रहा, बाहर निकला पड़ा है, देखो वो आज बड़ी मुश्किल से बाहर आया यार, हकीकत बता रहा हूँ आपको, इसने इतना काटा मुझे, मैं आपको दिखाया भी है मैंने अभी आपको जी। यार सिर्फ इसको ना केस से निकालना मुश्किल होता है, जब हम इसको केस से निकाल लेते ना भाई, तो फिर ये यार ये इतना नहीं काटता जितना ये केस के अंदर होके ना जब होता ही काटता है। तो ये देखो मैं इसको दोबारा उठा दूँ, अब ये इतना नहीं काटेगा, वादा आपका मेरा, देख लेना। ये देखो नहीं काटता, अब फिक्र होता, ये देखो नहीं काटता अब, इसको अंदर कैसे डालेंगे यार, इसके गले के ऊपर किया तो फिर आएगा, इसके गले के ऊपर करो फिर आएगा। मिस्टर लाला मैं जाओ भाई ना, अब नहीं आ रहा ये, पकड़ के अंदर डाल दो, बाद में आ गया आ गया आ गया। बेटा तू मार खाने के ऊपर तू तुला हुआ जिस तरह हकते हैं आजकल, तू हमें कितना जख्मी कर रहा है, तू पागल है क्या होगा तू, इतना छोटा सा था जब हम तुझे लाए थे, अब ये बेवफा हो गया यार, बेवफा हो गया तू। मैं दीवार में मारूंगा तू, पकड़ के दिखाओ, कोई हिम्मत है तो दम है तो उठाओ, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, ये तो वो बन गया फ्लाइंग बीस्ट बन गया ये तो। हट जा हट जा, अब इसको ना पूंछ पे हाथ ना रख यार, ये देख ऐसे आ गया हाथ पे। हाँ पर ये अपनी पूंछ भी फैला लेता है ना, हाँ फिर से इसने पूंछ अपनी फैलाई हुई है, देखो मार डालेंगे दीवार में मार के, देख लेना।
फूक मार रहा है। ओए ना कर मेरे, ओए होए 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 कर गया। आ जा भाई, 1 2 3 गो। ओ नहीं यार, थक तो नहीं है बेचारा, मुझे लगता है शायद लगता तो नहीं है, थक गया यार मुझे लगता है। हाँ यार थक रहा है, उसकी उसकी चोंच देख रहे हैं। शाबाश मिट्टू चला गया अपने केज के अंदर। तो बस यार ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि यार हमने अपना ये पलाली वाला सिस्टम कर दिया अपने डब्स के लिए। ये चेक करें आप, अभी तक तो कोई डब नहीं गई। ओहो चलो डाल दो इसके अंदर। अभी तक तो यार कोई इन दोनों डब्स में से कोई उस वाले जो है नेस्ट हमने जो बनाया उसके अंदर नहीं गई, लेकिन चली जाएगी, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो मिट्टू को भी थोड़ा सा हमने फ्लाई करवा दिया। एंग्री हो गया आजकल, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। तो बस यार ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।